हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मॉडिफाइड लर्निंग में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को समझा था और जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो देख सकता है। आज हम लोग एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, हम इस क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड थोड़ा सा आसान है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो फर्स्ट सेकेंड भी हो जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या करना है, हमें कांस्टेंट को एक तरफ लाना है और वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाना है, बस यही चीज करना है। ठीक है, तो देखिए 6 ये प्लस 2 है, LHS में जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2, और जेड को RHS में रहने देते हैं, ये हो गया। और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 होता है, इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पर क्या आ गया, z इज इक्वल टू 4 आ गया। क्या आ गया, z इज इक्वल टू 4 आ गया। यानी अगर हम RHS में z की वैल्यू 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। तो दोस्तों, हम लोग को इस क्वेश्चन में यही सॉल्व करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, न्यूमरेटर साथ साथ डिनोमिनेटर भी कुछ है, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। जबकि इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सभी टर्म का क्या था, 1 था। अगर 1 के अलावा कुछ और डिनोमिनेटर हो तो उसको, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए। देखिए यहाँ से यहाँ, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर कब करते हैं, जब हमें बीच में इक्वालिटी साइन हो। अगर इक्वालिटी साइन ना होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो यानी कि t इज इक्वल टू 10 इंटू 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 50। क्या हो गया, t इज इक्वल टू t। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, तो इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए इक्वलिटी साइन है, तो उसके RHS में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है, हम मान सकते हैं हम 1 है, तो 1 से देखिए इस वैल्यू को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो से मिल जाएगी, तो आप चाहे दिखा सकते हैं और चाहे ना दिखाएं, ये आपके ऊपर है। तो 2x इंटू 1 तो 2x ही रहेगा, यहाँ इक्वलिटी लगा दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है अब 18 इंटू 3, तो क्या हो गया हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए हमें केवल एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो अब ये 2 जो है ये कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में, 18 इंटू 3 अपॉन 2। चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड के फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ देखिए 2 बन जाए 2, 2 9 जाए 18, तो हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 27। क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या है, 1.6 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1.5। तो देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डेसिमल देख के डर आ जाता है, मगर आपको डरना नहीं है। इसमें क्या है, डेसिमल को हटा देना है और फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, और जो वैल्यू आएगी फिर उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डेसिमल को हटाते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे क्या आएगा, 16 अपॉन 10। क्यों, क्योंकि जब डेसिमल बाद एक वैल्यू है तो यहाँ 1 0 बढ़ गया। अब देखिए वाई अपॉन 1.5, तो देखिए जब यहाँ से भी जाएगा हटेगा तो ऊपर साइड में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया आपके पास। और इसी के साथ साथ आप क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छा ये सवाल था, इससे इधर का हो जाएगा और यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो
तो हमारे पास क्या हो गया 16 into 15 इज इक्वल टू y इंटू 10 into 10 ये हमारे पास आ गया। अब हमें फाइनली फाइंड क्या करना था, y की वैल्यू फाइंड करना था, तो चलिए अब कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, y y यही रहेगा। अब ये जो टर्म है, ये आप जो देख रहे हैं, ये डिनोमिनेटर चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है 16 into 15 upon 10 into 10 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब उसको कैंसिल करते हैं। तो देखिए 2 5 10 2 8 16, फिर यहाँ पर क्या हो गया 2 5 10 2 4 8, और देखिए 5 1 5 5 3 15। अब देखिए जो वैल्यू बच रही है उसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अब कोई चीज कैंसिल नहीं हो सकता। तो 4 3 12 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को कभी भी पहले ही मल्टीप्लाई करके नहीं लिख लेना है। आपको क्या करना है कि पहले जहाँ पर जो चीज़ कैंसिल हो जाए, जैसे कि हमने यहाँ पर कैंसिल किया है, आपको भी कैंसिल करना होगा। अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, जो आपको नहीं करना है। और मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लगता है बड़े बड़े नंबर्स को, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए हम लोगों ने क्या किया, सारी वैल्यू कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर 4 बच रहा है, यहाँ 3, तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 12 आ गया, और 5 into 1 का मल्टीप्लाई हो गया तो 5 आ गया। तो हमें क्या मिल गया, वाई इज इक्वल टू 12/5 मिल गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या है, x/3+1। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, x/3+1 इज इक्वल टू 7/15। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट भी से वेरिएबल जो है उसको दूसरी तरफ रखेंगे, तो उसे हम लोगों को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। तो देखिए ये क्या है, कांस्टेंट विद वेरिएबल है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देते हैं और जो वन है उसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। x/3 = 7/15 -1। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x/3 हो गया इज इक्वल टू, अब 15 और x/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए इसको माइनस कर देंगे, 7 - 15 हो जाएगा -8/15। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और देखिए एक ही बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी, 15 x नहीं निकालना था। तो x वैल्यू क्या हो जाएगी, -8/3/15, तो 3 बन जा 3 3 5 जा 15। तो हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू -8/5। तो देखिए हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू क्या मिल गई, -8/5। कैसे मिल गया, ये कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3 3 5 जा 15। तो यहाँ पर 8 बन जा 8, ये माइनस साइन था तो माइनस लग गया, और 5 जो डिनोमिनेटर बच रहा था उसको हम लोगों ने एज इट इज उतार दिया यहाँ पर। तो दोस्तों इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और इसी साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।